मुझे सेंड की गई और साथ में मुझे बताया गया कि भाई ये देख लें, हमारे एजेंट हमें ये बोल रहे हैं, क्या ये बात ठीक है, ये गलत है, कैसा मुमकिन है, कैसा देखिए साए खास आमल मंजिली वगैरह के जो वीजे हैं इनकी मुश्किल चल रही है, इसके मतलब तो आपको इल्म है। बाकी जो बड़े महीने वाले वीजे हैं या आमल के कैटेगरी में आते हैं उनके भाई ई नंबर निकल रहे हैं, वीजा स्टैंप हो रहे हैं वक्तन फक्तन, और वो भाई सफर भी कर रहे हैं, खासकर शिरका वगैरह में काम करने वाले, शिरका वगैरह मुसस्सा वगैरह वाले महीने के जो है ना बंदे, उनके भाई वीजा स्टैंप हो रहे हैं और वो सफर भी कर रहे हैं। साए खास आमल मर्जी या कुछ फर्दी मुसस्सा के जो महीने हैं ना, इनमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है जो कि मैं मुख्तलिफ वीडियोस में बता चुका हूँ, आने वाले कुछ दिनों तक इंशाअल्लाह ताला ये मसला क्लियर होगा। अच्छा ये जो चीज़ है ये आपको बड़ी करके साथ में दिखा देता हूँ, मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ, इसके मतलब जो डिटेल सामने आई है वो भी बता देता हूँ मैं। तमाम ई नंबर जिनके लिए निकल रहे हैं, जिनके भी ई नंबर निकले हुए हैं, साथ में ई नंबर की आपको एक पिक्चर भी मैं दिखा चुका हूँ, ये दिखा रहा हूँ, ये भाई ने कल ही मुझे सेंड की और मुझे बोल रहे थे कि भाई मुझे चंद दिन यानी कि 15 से 20 दिन हुए मेरा ई नंबर निकला है, वीजा स्टैंप करने भेजा हुआ है, अभी तक वो स्टैंप नहीं हो रहा है। तो ई नंबर जिनके निकल रहे हैं उनके लिए भी ये खास चीज़ है यार, वीजा स्टैंप नहीं हो रहा है, ई नंबर नहीं निकल रहा है, एक ही चीज़ होगी ना, जब वीजा स्टैंप हो जाए फिर ही मामला ये खलास होता है। बहरहाल जी आपको साथ में मैं ये दिखा रहा हूँ और पढ़कर सुना देता हूँ, आगे से साइक खास के वीजे, साइक सियारा खास और आमल मंजिली के वीजे आमल तदबीर मंजिली के नामों से निकलेंगे और बिना किसी रुकावट के लग भी जाएंगे। नीचे दिख रही आमल मंजिली, अभी ये आगे से निकलेगा आमल तदबीर मंजिली, साइक खास आगे से ये इस महीने से निकलेगा साइक सियारा खास, ठीक है जी। जो पहले से साइक खास, ये चीज काबिल गौर है, जो पहले से साइक खास और आमल मंजिली के वकाले बने हुए हैं उम्मीद है अगले हफ्ते तक एम्बेसी के तावन से लगना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। जिनके वकाले नहीं बने हैं भाई वो वीजा छोड़ दें, वो वीजा ये नए महीने वाला उतार कर ले लें, जो मैंने आपको साथ में बता दिया, साइक सियारा खास आमल तदबीर मंजिली, ठीक है जी। या जिनके वकाले वगैरह बने हुए आमल मंजिली और साइक खास के लिहाज से भाई वो चंद दिन वेट कर लें, इसमें भी बता दिया गया और ये बिल्कुल क्लियर बात है। जो सऊदी अरेबिया ने 10 नए महीने मुतार करवाए हैं घरेलू तौर पर, उनमें भाई साइक खास और आमल मंजिली को फारग करके ये महीने मुतार करवा दिए गए हैं, तो आपके वीजे तो स्टैंप हो जाएंगे, इशू यही चल रहा है। मुझे भी यही उम्मीद है, मैं मुख्तलिफ वीडियो में जिक्र भी कर चुका हूं कि आने वाले चंद दिन वेट कर लें, साए खास आमल मंजिली वगैरह वाले भाई वीजे अपने मत छोड़िएगा, वीजे जाया मत कीजिएगा, वीजे चेंज मत कीजिएगा, वीजे उनको कैंसिल मत करवाइएगा वरना आपके पैसे जाया हो जाएंगे, तो चंद दिन वेट कर लें इंशाअल्लाह ताला ये आपके हक में बेहतर ही होगा। अगर मेरे हिसाब से तो ईद तक बात नहीं जाएगी, अगर अगर खुदा नखवासा ईद तक भी बात जाती है तो भाई ईद घर एंजॉय कर लीजिएगा।